क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है 60 मीटर की हाइट पर, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर पतंग उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जो पतंग की डोरी है वो टेम्पररी एक जमीन के किसी पॉइंट पर लगाया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ में वो 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ बताना है और ये मानते हुए कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये मानते हुए कि ये स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, मतलब झुकाव नहीं है। अब सिर्फ पतंग उड़ता है तो डोरी ऐसे हो जाता है, तो उस तरह का ये मान लीजिए कि ये जो डोरी है एकदम ऐसे सीधा है, इस तरह से मानना है। तो पहले फिगर बना लें, फिगर बना लें फिर आपको समझा रहे कि क्या है। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये है पतंग, पतंग ये उड़ रहा है जमीन से कितने हाइट पर है, ये ग्राउंड, ये काइट जमीन से कितनी हाइट पर है, 60 मीटर की हाइट पर, 60 मीटर की हाइट पर यह है, 60 मीटर की हाइट पर पतंग है। अब ये पतंग कैसे उड़ता है, तो डोरी लगाता है, तो डोरी कहाँ है, तो डोरी यहाँ से, ये जो पतंग यहाँ से, जो ये यहाँ से पतंग, यहाँ से डोरी, पतंग की डोरी यहाँ तक है, पतंग की डोरी यहाँ तक है। अब ये मान लीजिए कि कोई स्लैक नहीं, मतलब मान लीजिए कि धागा ऐसे नहीं है, धागा एकदम सीधा है, इस तरह सीधा है और इसके साथ में जो स्ट्रिंग का, जो स्ट्रिंग है जमीन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको क्या बताना है, इसी का लेंथ बताना है, इसी का लेंथ बताना है, यह बताना है, ये 60 मीटर हाइट है, ये दिया है, यश दिया हुआ है 60 मीटर की हाइट पर, ये यश दिया हुआ है 60 मीटर की हाइट पर पतंग उड़ रहा है, समझ में आ गया। यह लेंथ नहीं दिया, यहाँ से जहाँ पर पतंग का डोरी बंधा हुआ है जमीन पर अटैच है और यहाँ से ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे पहले इसका नाम लिख देंगे ए, ये बी, ये सी, ये पॉइंट सी है। तो एसी क्या है, एसी, एसी है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ यल, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ यल। तो इसमें क्या क्या डाटा दिखा रहा है, 60 डिग्री एंगल दिख रहा है, ये 60 डिग्री के अपोजिट साइड जो है ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज, ये बेस नहीं दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है, तो ये 60 डिग्री के सामने का परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बनाने वाला जो होता है फार्मूला वो होता है साइन, साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच होता है। तो हम साइन से निकालेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 डिग्री, 60 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यल है, यल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यल की वैल्यू हो जाएगा एक बार और सिंपल करेंगे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू 60 अपॉन एल, एल की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एल और इधर आ जाएगा 60 इंटू 2 मतलब 120 हो गया, तो यल की वैल्यू आ जाएगा 120 अपॉन अंडर रूट 3। इस आंसर तो आ गया लेकिन इस आंसर में प्रॉब्लम है, अंडर रूट 3 नीचे है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर कभी नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर को हम रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करने का एक ही तरीका होता है कि हम अंडर रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और अंडर रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यल की वैल्यू आ जाएगा 120 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम में, तो यल आ जाएगा 40 अंडर रूट 3 मीटर। ये है क्या, ये क्या, यल क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ है, यही पूछा था, स्ट्रिंग का लेंथ हो गया।